नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार की राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर है, लेकिन इन सब के बीच स्कूल बंद करने को लेकर कंफ्यूजन लगातार जारी है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद आठवीं तक के स्कूल बंद नहीं किए जाने को लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सरकारी स्कूलों को खोलने से जुड़े पत्र के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। डीएम ने ऐसे हालात में बुधवार को मुख्य सचिव अमीर सुभानी को पत्र भेजकर मदद मांगी है, जिसमें उन्होंने मामले में हस्तक्षेप कर उचित निर्णय लेने की मांग की है। डीएम ने कहा कि जिले में शीत दिवस की स्थिति और कम तापमान होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर खतरे की संभावना है, इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर 25 जनवरी तक रोक लगाई गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 22 जनवरी को पत्र जारी कर लिया। शिक्षा पदाधिकारी पटना के सभी विद्यालयों को खुला रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद माध्यमिक निदेशक को जिले के हालात की स्थिति को देखते हुए धारा 144 में डीएम को प्रदत्त शक्तियों के बारे में विस्तार से पत्र के माध्यम से जानकारी दी है। इसके बाद 23 जनवरी को फिर निदेशक की ओर से विभिन्न प्रकार की आपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रतिदिन की मांग की गई। डीएम चंद्रशेखर ने अपने पत्र में कहा कि शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के बीच स्कूल बंद नहीं किए जाने के संदर्भ में अंतहीन पत्राचार से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था में सभी स्तरों पर अधिकार एवं सीमाएं सुपरिभाषित है, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। डीएम ने बताया कि वर्तमान में पटना जिले में भीषण शीतलहर है, ऐसी स्थिति में स्कूल खोलकर बच्चों की सेहत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। पहले बच्चों का स्वस्थ रहना जरूरी है, इसके बाद ही शिक्षा जरूरी है। मौसम विभाग ने अति शीत दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने अगले 5 दिनों तक बच्चों को विशेष तौर पर सतर्क रखने की सलाह दी है। अभिभावकों से अपील की है कि वे ठंड के मौसम को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और गर्म पेय पदार्थ का सेवन करने को दें। मौसम केंद्र के बुलेटिन के अनुसरण करें। 25 जनवरी से 29 जनवरी के बीच अति शीत दिवस की संभावना है। ऐसी स्थिति में यदि बच्चे सावधानी नहीं बरतते हैं तो इस सेहत पर बुरा असर हो सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। अब स्कूल बंद करने को लेकर लगातार ये वॉर जारी है। एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कह दिया था कि स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, तो वहीं डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है और पत्र लेकर मदद भी मांगी है। अब स्कूल बंद करने को लेकर ये वॉर कहां तक जाती है, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। कब तक स्कूल बंद रहते हैं, कब तक ठंड रहेगी पटना में, और उसको लेकर स्कूल बंद होंगे या नहीं, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।